सो गाइज, उसकी हेल्प से मैंने क्रिएट कर लिया है एक ब्रेसलेट जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। वन इयररिंग्स और एक चोकर नेकलेस सेट। अब मैं पहन के दिखाती हूँ ये लग कैसा रहा है। सो गाइज, दिस इज द इयररिंग विच आई हैव मेड फ्रॉम दिस। दिस इज द चोकर सेट एंड दिस इज द ब्रेसलेट and it's looking very pretty. So let's unbox this. यह है ज्वेलरी बुटीक। तो ये बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरीके के अलग अलग सेक्शंस मिल जाते हैं जिसमें अलग अलग टाइप्स की बीड्स उन्होंने हमको प्रोवाइड की है। इसमें एक हमें मैनुअल भी दिया गया है जिसमें पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि हमें ये कैसे बनाना है, और इसमें ये स्ट्रिंग्स दे रखी है ताकि हम इसको बुन सकें अच्छे से, और सारे इक्विपमेंट्स हुक वगैरह इसमें दे रखे हैं ताकि हम ब्रेसलेट्स और नेकलेस वगैरह क्रिएट कर सकें। और ये इसमें हमें सबसे पहले बीड्स दे रखी है कुछ हार्ट शेप की इस तरीके की, जैसे कि आपको दिख भी रहा है स्क्रीन में, और दूसरी हमें दे रखी है ये फ्लावर वाली शेप में। उसके बाद हमारे पास है ये छोटा सा किटी, देन उसके बाद हमारे पास है ये छोटा सा टेडी बियर जो कि बहुत क्यूट लग रहा है। उसके बाद हमारे पास है ये फ्रॉक वाला बीड्स। After that we have a elephant. उसके बाद हमें एक क्राउन भी दे रखा है, प्रोवाइड किया गया है, बटरफ्लाई, बनी और लेटर्स वाले बीड्स भी दिए गए हैं। आप अपने नाम भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। और ये कुछ शेल वाले बीड्स भी थे, अगेन अ हार्ट शेप वन, और ये सन के शेप में था कुछ, और ये लास्ट हमें एक और फ्लावर वाला दिया है। वो जो दोनों फ्लावर है वो अलग अलग शेप में है। तो टोटल हमें 14 टाइप्स के बीड्स प्रोवाइड किए गए हैं विद डिफरेंट साइजेस एंड डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ एक नेक पीस। उसके लिए हमें ये धागा ले लेना है और इसको हमें अपने नेक के अकॉर्डिंगली मेज़र कर लेना है। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक हुक जो कि इसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, और इस हुक को हमें धागे के एक एंड में टाई कर लेना है अच्छे से, जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आप करते जाना। बहुत ही इजी प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद हमें अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंगली जो हमें बीड्स अच्छे लग रहे हैं हम उसको हमें उसमें इंसर्ट करते जाना है। वी कैन बी एज क्रिएटिव एज वी कैन। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि हम इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और यूज़फुल प्रोडक्ट है। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। ये तो मेरे को ऐसे ही मिला हुआ था और मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, तो फिर मैं इसमें बना रही हूँ। और इसमें मैंने बटरफ्लाइज़ अटैच कर दी हैं, बटरफ्लाइज है ना हार्ट शेप वाला, और मैं नेक पीस बना रही हूँ अपने लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल टर्न आउट होने वाला है। बस आपको बीड्स डालते जाना है टिल अ सफिशियंट लेंथ। मेरे को तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और आप अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो गिफ्ट करने के पर्पस से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और अगर आपको क्राफ्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये बीड्स आजकल बहुत सारे बीड्स वाले नेकलेस बहुत सारा ट्रेंडिंग भी है, इंस्टाग्राम इंस्टा स्टोर वगैरह में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, और हम इसको एट अ वेरी लो प्राइस हम इसे घर बैठे बैठे क्रिएट कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ आपको वैसे ही करते जाना है। आपको इसमें बीड्स ऐड करते जाने हैं, आप अपने चॉइसेस की बीड ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, और आपको बीड तब तक ऐड करते जाना है जब तक कि एक सफिशिएंट लेंथ में रीच नहीं कर जाता है। और फिर आपको मेज़र करना है कि क्या ये आपके नेक में अच्छे से प्रॉपरली फिट हो रहा है, और जैसे ही आपके नेक में अच्छे से प्रॉपरली फिट हो जाए तो यू हैव टू स्टॉप इट, और इसके एंड में आपको एक जंप रिंग लगाना है ताकि आप इसमें हुक इंसर्ट कर सकें एंड योर नेकलेस इज़ रेडी।
और जो भी एक्सेस स्ट्रिंग इसमें बचा रहेगा वो आप इसको प्रॉपरली सीजर से कट कर लेना, ताकि ये गले में पहनते वक्त आपको चुभे ना। सेकेंडली मैं बनाने जा रही हूँ इयररिंग्स, और इयररिंग्स बनाने के लिए सारा सामान हुक वगैरह इसी पैकेट के अंदर हमको मिल जाएगा। और इयररिंग्स भी मैं सेम बीड्स की हेल्प से बना रही हूँ, मतलब कि मैचिंग सेट बना रही हूँ मैं इयररिंग्स और नेकलेस का। और इयररिंग्स के लिए भी मैंने फ्लावर एंड हार्ट वाले बीड्स के ही यूज़ किए हैं, और हमें प्लास्ट की मदद से इसको फोल्ड करना पड़ेगा अच्छे से ऊपर से। और आप अपने किड्स को बनाने के लिए बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि ये किड्स के बस की बात नहीं है बनाना, मतलब कि उनको अपने एल्डर्स की हेल्प चाहिए ही होगी, तो आप इसको खुद बना के उन लोग को देना। एंड नाउ माय नेकलेस, इयररिंग्स इज रेडी। नाउ आई एम मेकिंग अ ब्रेसलेट, और अब मैं बना रही हूँ ब्रेसलेट। ब्रेसलेट बनाने के लिए भी आपको स्ट्रिंग को अपने हैंड से मेज़र करके इसको अकॉर्डिंगली कट कर लेना है। और उसके लिए ब्रेसलेट बनाने के लिए भी एस सेम जैसे हमने नेकलेस में बनाने के लिए हुक अटैच किया था, वैसे ही हमें एक एंड में हुक अटैच कर लेना है, और फिर उसके बाद हमें बीड्स ऐड करते जाना है। मैंने हैंड का ब्रेसलेट बनाने के लिए टेडी वाले बीड्स का यूज़ किया था, बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा मिनी साइज़ के हैं और हैंड्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और इसको आपको बीड्स को तब तक लगाते जाना है जब तक कि आपके हैंड का पूरा साइज़ कवर नहीं हो जाता है, और जब आपका पूरा बीड्स आप उसमें थ्रेड में वीव कर लेते हो, उसके बाद आपको साइड में अटैच करना है अगेन एक जंप रिंग, ताकि हम उस हुक को उस जंप रिंग से अटैच करके अपना ब्रेसलेट कंप्लीट कर सकें।